चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राण ना सखी जीवन हमारा ए सखी जीवन हमारा ए। श्री महामती कहे ए मोमिनो भया चर्चा का बख, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की। महामती कहे ए साथ जी ए बीतक ठठे की जान, अब याद करो नलिए को आगे कहो पहचान, आगे कहो पहचान। श्री जी साहेब जी चले ठठे से, अक्षरातीत धाम धनी बीतक के घटनाक्रम का आगे वर्णन करवा रहे हैं। कल के अंतिम घटनाक्रम को जोड़ते हुए, कल का घटनाक्रम उसमें जो दो स्थान, एक मस्कत और एक ठट्ठा नगर अब्बासी बंदर, अंतिम ठट्ठा नगर से हम आगे आज नलिया पहुंचेंगे। तो कल मस्कत बंदर में माऊजी भाई की आत्मा को जगाने के लिए, सिर्फ माऊजी भाई की एक आत्मा को जगाने के लिए नहीं, 400 साल से यही परंपरा में हम सबकी आत्मा को जगाने के लिए धाम धनी आज से 400 साल पूर्व माऊजी भाई की आत्मा को जगाने का जो प्रयास किया, और अलग अलग प्रयासों से, वैसे तो अक्षरातीत को कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो चाहे तो एक ही क्षण में अनंत ब्रह्मांड के अंदर जो चाहे वो लीला कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के लीला के रूप में बताया जा रहा है। और अभी पूर्व किरंतन में आपने सुना, रूहो मेरे तुम्हारा आशिक सदा सुख तुम्हें चाहो, वास्ते तुम्हारे विध के अनेक सुख उपजाओ। रे रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, सुंदर सा जी इश्क प्रेम, धाम धनी तो प्रेम के ही स्वरूप है। धाम धनी के दिल में तो गंजान गंज इश्क भरा हुआ है, वो इश्क के सागर
जब प्रेम करते करते, मतलब प्रेम में भी जब रुए, यहां माऊजी भाई की आत्मा को जगाने के लिए जो प्रयास किया, इसी घटनाक्रम में आगे बढ़े, तो जैसे एक माँ अपने बच्चे को, पहले वैसे तो यहाँ सांसारिक दृष्टांत राज्य की बराबरी के समान नहीं दिया जाता, लेकिन समझाने के लिए देना पड़ता है कि माँ एक बच्चे को पहले समझाने के लिए सरलता के वचनों से पहले समझाएगी, उससे बच्चा नहीं मानेगा तो थोड़ा कठोर शब्दों में समझाएगी, उससे भी बच्चा नहीं मानेगा तो आगे जाके माँ एक चाटा मारेगी। माँ ने जो बच्चे को चाटा मारा, उसी का यही भाव नहीं है कि बच्चा दिल से दूर हो जाए, बच्चा हृदय का एक टुकड़ा है, वो दिल से अलग हो जाए, लेकिन माँ लाड करती है। लाड में भी कई बार भले ये चाटा मारा, पर लाड में भी उसका प्रेम है। वैसे मस्कत में माऊजी भाई को चाटा मारकर जो जगाने का धाम धनी ने प्रयास किया और उस आत्मा को जागृत किया, और जागृत होने के बाद माऊजी भाई ने अपनी आत्मा धाम धनी के चरणों में सौंप दी, अपना सब कुछ उस चरणों में न्योछावर कर दिया। उसके बाद आगे अब्बासी बंदर के घटनाक्रम में आज एक सुंदर साथ का मेरे को एक फोन आया था, बाहर कहीं रायगढ़ से कहीं थे, कहीं से था, उसने बोला कि तुमने जो अब्बासी बंदर का प्रसंग भैरव सेठ का आपने बताया, उसमें दीदी आपने थोड़ा व्यसन पर ज़्यादा नहीं प्रसंग लिया। मैंने इतना ही जवाब दिया कि दीदी यहाँ एक समय की मर्यादा होती है और समय के अनुसार ही इस प्रसंग को पूरा करना पड़ता है और मर्यादित दिनों में ही वित्तक घटनाक्रमों को पूरा करना होता है, इसलिए मैंने ज़्यादा विस्तार से नहीं बताया था। राज्य की कृपा होगी तो आने वाले समय में हम व्यसन पर भी कोई कोई विषय हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा भैरव सेठ को लेकर कल के घटनाक्रम में हमने भैरव सेठ के प्रसंग के माध्यम से क्या बोध मिला, क्या सीख मिली सुंदर साथ जी। भैरव सेठ की पहले तो निष्ठा देखो, राज्य ऊपर का ईमान श्रद्धा देखो। जो कोई भी सुंदर साथ, सिर्फ भैरव सेठ नहीं, उसके अंदर तो कितनी बुराइयां थी, कितने अवगुण थे, 3 दिन में सब दूर। हमारे अंदर तो इतनी शायद बुराइयां नहीं है, इतने अवगुण भी नहीं होंगे, क्योंकि हमारा भोजन सात्विक है। राज्य ने क्या सिखाया उस प्रसंग के माध्यम से कि कोई भी सुंदर साथ, एक बार सच्चे दिल से, ध्यान से सुनिए, सच्चे दिल से, पवित्र दिल से, जैसा बाहर होते ओवे तैसा दिल, पवित्र दिल से एक बार राज्य को अपनी आत्मा की पुकार से, अपनी आत्मा की आह से, एक बार आत्मा के अंदर 30 के वचनों से जब पुकार करेंगे ना, और अपनी श्रद्धा, अपनी निष्ठा, बस एक राज्य पर अपना लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए। यहां उसने बस सच्चे दिल से स्वीकार कर लिया कि नहीं, यही धाम धनी है, यही अक्षरातीत है, यही मेरे को जगाने के लिए इतनी दूरी से आए हैं, इतने ठिड निष्ठुर कठोर, इतनी बुराइयां लेकर जीव बैठा है, गुनेगारों के दिल पर अर्श कर बैठे मेहरबान। मैं तो कितने गुने किए तो भी तुम राखी मूल सगाई, राज्यवाणी में वो हम बोलते ना कि कितने मैंने अवगुण किए
तो भी तुम राखी मूल सगाए, तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े। मैं तो बहुत करी दुष्टाई। यहां भैरू सेठ तहकिक अरज पहुंचत है जो भेजिए पाक दिल। जब हम पवित्र दिल से अर्जी करेंगे ने, श्री जी चर्चा कर रहे आज वही समय है, राज जी क्या सिखा रहे हम इस प्रसंग के माध्यम से कि सुंदर साची 400 साल की इस परंपरा में मैं यही तो पाठ बढ़ाता आ रहा हूं आपको, आज ही थोड़ी बोल रहा हूं कि तुम मेरी हो, अपनी हो। मैं कैसे दुखी देखो तो इस संसार में तेरे को देखो, चाटा मार कर भी बस अपने को वो नहीं देख पा रहे ने, चाटा मारा इस शरीर को, आत्मा को नहीं, इन गुण इंद्रियों को बोध दिया है, आत्मा को तो राज जी ने प्रेम ही किया है। इस संसार की चीजों को लेकर, इन संसार के वचनों को लेकर बहुत कुछ करना पड़ता है। धनी देखो दीव बंदर से लो, जयराम भाई कंसारा, बस मैं इस प्रसंग से इतना ही कहूंगी दीदी। इससे आगे मूल मिलावे से बीतक शुरू हुई है, अब फेर के कहूं मूल मिलावे की बीतक। जब से हम ब्रज में आए हर जगह हमने कितने कितने रोल प्ले किए, किस किस पात्र की भूमिका हमने बजवाई, मतलब हमने निभाई। देखिए ने अभी आज इस संसार में जागनी ब्रह्मांड में आए, उसको भी आज 400 साल पूर्ण किए। कितनी बार इस तन को हमने धारण किया होगा, हमने जयराम भाई कंसारा का भी रोल प्ले कर लिया, वो पात्र भी हमने पूर्ण किया है। उसके आगे कितने सुंदर साथ का लालदासी हो, मस्कत में माऊजी भाई हो, चिंतामणि हो, ठट्ठा नगर में सब, ये नहीं 400 साल पूर्व बंगला जी दरबार में हमने अनेक अनेक रोल, अनेक अनेक पात्र की भूमिका निभाई है। उसी के बाद भी कितनी बार वहां पहली बार श्री जी को भैरव सेठ मिलते हैं, श्री जी चर्चा कर रहे हैं, और तीसरे दिन राज जी के दीदार मूल मिलावे पर आत्म को देख लिया, मूल स्वरूप युगल स्वरूप को देख लिया। इस प्रसंग में सुंदर साथ जी मैंने बताया ना, उसकी श्रद्धा, उसकी निष्ठा, बस एक बार समर्पण कर दिया ने, पीछे नहीं देखा। महामती कहे पीछा न देखिए, ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाई दीजिए अरवाह। क्या बताया कि एक बार धनी के सामने देखो, धनी ने इस पर नजर की है, भैरव सेठ की तो मेरी जैसी तुच्छ दृष्टि, यहां की जीव की एक सीमित दृष्टि, राज्य की उस पर नजर पड़ी ने, तब राज्य की ओर भैरव सेठ की नजर गई है। एक नजर पड़ने के बाद कितना समर्पण अंदर प्रकट हुआ, और क्या बोल दिया कि पीछे न देखे, ये संसार अग्नि है, बस नहीं देखना मेरे को इधर की ओर, ना किसी के परवाह, नहीं रिश्तेदार, नहीं सगे संबंधी, नहीं किसी संसार के कोई भी परिवार के सदस्य का कोई मोह नहीं, बस क्या बोल दिया, ना किसी की परवाह, बस एक धाम। क्या हमारे अंदर में 400 साल की वही परंपरा में हर स्थान, हर मंदिर, हर पुरी, हर स्थानों पर हम यही सुनते आ रहे हैं? क्या इतने बार इतनी घटनाक्रम सुनने के बाद हमारे अंदर ये पीड़ा, ये दर्द जगा? यहां भैरव सेठ का जो एक छांदोग्य उपनिषद में एक प्रमाण है कि आहार सुधु सत्व सुधि, आहार शुद्ध होने से हमारी बुद्धि की शुद्धि होती है। बुद्धि जब शुद्ध होगी तब हमारे
चित्त शुद्ध हो गए। चित्त के संस्कारों के अनुसार ही हमारा मन कार्य करता है। जब तक हमारा चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक हमारी मन की भी पवित्रता नहीं बनेगी। मनुस्मृति में बताया कि अद्य भी गात्राणी शुद्ध्यन्ति मन सत्येन शुद्ध्यन्ति विद्या तप भया भूतात्मानं बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यन्ति। ये शरीर जल से शुद्ध होता है, मन सत्य आचरण से शुद्ध होता है, जीव विद्या और तप से शुद्ध होता है, और आगे बताया कि बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यन्ति, बुद्धि शुद्ध ज्ञान से शुद्ध होती है। ऋतुम भरा प्रज्ञा रुते जानाति न मुक्ति। जब तक तब तक हमारे अंदर ये ब्रह्म ज्ञान नहीं आएगा तब तक हमारी बुद्धि की पवित्रता, और बुद्धि चित्त के संस्कारों के अनुसार काम करती है। जब तक हमारा चित्त के संस्कार दूर नहीं होंगे, चित्त के अंदर पवित्रता निर्मलता नहीं आएगी तब तक हमारा मन पवित्र नहीं बनेगा, और मन पवित्र जब तक नहीं बनेगा सुंदर साथ जी तब सब कुछ किया हुआ व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि मन जीते जग जीते, मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत, मन ही देवे सत साहेबी, मन ही करे फजीत, मन ही नीला मन ही पीला, सब कुछ करवा रहा है मन। जब तक हमारा मन स्थिर नहीं होगा, शांत नहीं होगा, जैसे एक बाल्टी में पानी हिल रहा है, ये पानी स्थिर नहीं होगा तब तक अंदर हमारी दृष्टि हम जितनी भी कर ले नीचे पड़ी हुई चीज दिखाई नहीं देगी, वैसे हमारा मन स्थिर नहीं होगा। लेकिन मन की स्थिरता का आधार सब मूल आहार पर है। किस पर? मैं किसका घटनाक्रम बता रही हूं सुंदर साथ जी, भैरव सेठ का या अपना? किसका? अपना। ठीक है, हम सब यही लीला में है। तो सबसे पहले हमारा आहार शुद्ध, सात्विक आहार, ये हमारे सात्विक आहार। सात्विक आहार जैसे हम तामसिक आहार में क्या, लहसुन प्याज बासी दुर्गंध वाले जो पदार्थ खाते हैं, कई बार रात का बचा हुआ भोजन भी के फेंक के क्यों दे, हम ये भी खा ले, लहसुन प्याज भी हमसे नहीं छूट रहे, कोई ऐसे दुर्गंध बास, ठीक है गुजरात में तो हमारे वहाँ कम, मैंने यूपी में देखा या मांस भी, ठीक है हमारे सुंदर साथ वो नहीं खाते, लेकिन आज संसार में कई मत पंथों को मानने वाले भक्तजन लोग भी मांस का सेवन करते हैं। तो मांस, कल जो हमने भैरव सेठ के प्रसंग में देखा, शराब परिस्त्री गमन और चोरी न करना और झूठ न बोलना, तो सब कुछ आहार पर है। क्योंकि आहार हमारा शुद्ध सात्विक नहीं बनेगा तब तक मन भी हमारा तामसिक बना रहेगा, चित्त भी वैसा ही बने रहेगा, बुद्धि भी वैसी बनी रहेगी, सब कुछ आधार मन पर है। सुंदर साथ जी प्रसंग के अनुसार में ज्यादा, अभी समय की मर्यादा के अनुसार मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगी, हम प्रसंग में आगे बढ़े। तो भैरव सेठ ने जैसे ही ये ज्ञान सुना और मन को पवित्र करने के लिए, वैसे तो राज जी ने बहुत सी बातें किरंतन ग्रंथ के माध्यम से और ग्रंथों के माध्यम से रखी है कि इन विध नरक से छूटिए और उपाय कोई नाही, भजन बिना सब नरक है, पची पची मरिए माही, निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री जुगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याही सो और धाम वर्णन, निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो। कैसे निर्मल हो जाएगा? निस दिन, दिन और रात, एहनिस क्या करना,
बस परम धाम का चिंतन, 25 पक्ष का चिंतन, स्वाध्याय, मनन, विवेचना और ध्यान। कल एक दीदी प्रश्न पूछ रही थी कि ध्यान, चिंतन और चितवन, उसमें क्या भेद है तीनों में? सुंदरसा जी, ध्यान की परिभाषा हम जो एक लक्ष्य बनाया है कि युगल स्वरूप के चरण कमल या उस स्वरूप पर जो भी लक्ष्य बनाया है वहां ही हमारा मन, पहले तो मन या बुद्धि के धरातल पर जाएंगे, वहां केंद्रित हो, जहां हम केंद्रित करने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं ध्यान। और जो ध्यान में जो शोभा को हमने देखा उसी पर हमारा पूरा दिन चिंतन रहे, उस शोभा में पूरा दिन हमारी बुद्धि और मन लगा रहे और आत्मा के अंदर वो चित्र अंकित हो जाए उस चिंतन के माध्यम से, उसको कहते हैं चिंतन। और चितवन मतलब ध्यान, चितवन मतलब चित्त के अंदर बार बार बस वही शोभा में डूबना, वही श्रृंगार में। आज वो शोभा को हम आगे लेंगे, प्रकरण में आएगा भी आगे के। तो यहां निस्दिन ग्रहिये प्रेम सो श्री जुगल स्वरूप के चरण निर्मल होना याही सो। हमारा जीव का दिल कैसे निर्मल होगा, कैसे पवित्र होगा? बार बार ये परमधाम की लीला, परमधाम की शोभा, परमधाम युगल स्वरूप का श्रृंगार अष्ट पोहर की सुबह से 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, और शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक अष्ट पहर आएगा अंतिम, हमारी जो 800-900 चौपाई के आसपास जो अष्ट पहर में लीला बताई है कि 8 पहर और 3-3 घंटे का 1 पहर है, तो 8 पहर और 8ों पहर में हम एक एक पहर में क्या क्या लीला हमारी परमधाम में होती थी। वैसे तो वहां भूतकाल नहीं है, वहां कोई भूत भविष्य वर्तमान की लीला नहीं है, वहां तो अनादिकाल से वो लीला चल रही है, अभी भी चल रही है और अनादिकाल तक चलती रहेगी। ये समय की मर्यादा यहां है, ये पल, ये मिनट, ये घंटे, ये महीना, ये समय यहां है, वहां कोई समय की मर्यादा नहीं है, वहां अनंत है। तो सुंदर साथ जी, भैरव सेठ के घटनाक्रम से बस हमारी एक लक्ष्य पर हमारी अंदर का जो भाव है वहां केंद्रित हो जाए, बस पूरी निष्ठा, पूरी श्रद्धा से, और श्रद्धा के बाद हमारे अंदर विरह आएगा, विरह के बाद प्रेम फूटेगा, प्रेम का झरना बहने लगेगा। तो धनी, एक क्षण हमारे से दूर नहीं है। मैं बार बार बोल चुकी हूँ इस चर्चा में कि राज्य हमारे धाम दिल में विराजमान है, प्राण नली से भी निकट है, सूक्ष्म स्वरूप से विराजमान है, लेकिन हमारे पर इतनी परतें लगी है कि राज्य सामने होने छता भी दिखाई नहीं दे रहे है। तो ये भैरव सेठ के प्रसंग में हमने जो आगे ये पूर्व सुन लिया और आगे भी कल हमने सुना था, और आगे हम इस प्रकरण को आगे बढ़ाए कि नलिया का वृत्तांत एवं धाराभाई का प्रसंग। श्री साहेब जी चले ठट्ठे से, तो कल हमने अंतिम प्रसंग में देखा था कि श्री जी जब अंतिम फिर ठट्ठा नगर आए, ठट्ठा नगर 1 मास रुकने के बाद वहां से लक्ष्मणपुर आए, और लक्ष्मणपुर में सुंदर सात को माया से जगाया, कई खंडनी कठोर वचनों से जगाया, और वहां से श्री जी ठट्ठा नगर से चलकर नलिया आए। जैसे ही श्री जी नलिया पहुंचे तो धारा भाई जो खंभालिये में रहते थे उसने ये बात सुनी कि श्री जी नलिया पहुंचे है, तो वो भी अति शीघ्र वो नलिया पहुंचे और आके श्री जी के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद अपनी बीती हुई आप बीती वो बताने लगे, 1 साल पूर्व की जो आप बीती जो घटनाक्रम है वो बताने लगे कि श्री जी
मैं जब खंभालिए में रहता था, सुंदर सा जी ये प्रसंग तो आपको एक कथा या कोई स्टोरी जैसा लगेगा, कोई वार्ता जैसा लगेगा, लेकिन ये कोई वार्ता नहीं है, ये कोई स्टोरी नहीं है। मैंने पहले दिन भी बता दिया था और आज भी घटना के पूर्व ही मैं बता रही हूँ कि जो जो घटनाक्रम आएंगे ये संसार के कोई ऐतिहासिक घटनाक्रम नहीं है कि आज से 4 या 5 हजार साल पहले बीता और वो घटनाक्रम को धर्म ग्रंथों में जोड़ दिया और उसका हिस्ट्री इतिहास लिखा गया। ये लीला तो हमारी अनादिकाल से चल रही है, ये कोई मानवीय इतिहास नहीं है, ये कोई राजा या रानी या कोई अवतार पैगंबरों की कथा नहीं है, ये हमारी भी तक है। तो तभी ये नलिया में धाराभाई अपने पर जो बीती हुई घटनाक्रम बता रहे, आज ये घटनाक्रम किस पर घटित होगा? हमारे पर, ठीक है। यहां यह घटनाक्रम बताओ, आज की वर्तमान जो परिस्थिति को देखकर राज्जी आगे चौपाई के माध्यम से, क्योंकि राज्जी ने जब आज से 400 साल पूर्व बीतक लिखी ने, ये भविष्यवाणी कहने वाला ग्रंथ है, ये बीतक साहेब है, उसको पता था कि बीतक के घटनाक्रम अभी पूर्ण नहीं हो गए हैं। जब नलिया में धाराभाई सुना रहे श्री जी को, उसको पता था कि आने वाले वर्तमान भविष्य में भी यही घटनाक्रम घटित होते रहेंगे और कब तक घटित होते रहेंगे कि 7वें दिन में हम जब परम धाम 6ठा दिन या पूर्ण होगा और 7वें दिन में हम मूल मिलावे में पर आत्म में जागृत हो गए और हमारा जीव सत्स्वरूप की पहली बहिष्ट में पहुंचेगा, तब तक का यह घटनाक्रम पहले लिखा गया है। तो यह घटनाक्रम हमारा है जो आज घटित हो रहा है। आगे सुनिए, धाराभाई ने बताया कि श्री जी मैं खंभालिए में रहता था पूरे परिवार सहित और सुंदर सात के बीच में मैं रहता था। वहां सुंदर सात का समाज भी बहुत बड़ा था, और भी विस्तार होगा, अभी सूरजी भाई आएंगे। अभी श्री जी को बता रहे नलिया में सुंदर सात के समूह में रहता था। उसी समय मस्कत से, कहां से? मस्कत से सूरजी भाई आए और सूरजी भाई को राज्जी ने प्रेरणा दी हुई जागनी कार्य करने की। मैं रोज ही बोलती हूं ने, जिस पर धाम धनी की मेहर होती है ना, वही जागनी का कार्य कर सकते हैं, वही सेवा का काम कर सकते हैं, वही आगे बढ़ पाते हैं, वही अलग अलग जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। और आगे हम सब घटनाक्रम में देखेंगे। यहां धाराभाई बता रहे कि सूरजी भाई के सहयोग से, सहकार से ये सुंदर सात के जागनी का काम आगे बढ़ा। खंभालिए में बहुत से सुंदर सात की जागनी भी हुई, वहां में चर्चा करता था। ये किसकी बात है? ध्यान से, ये किसकी बात है? हमारी। वहां में चर्चा का, आज समाज में जो चल रहा है उसकी वास्तविकता धामधनी जाहिर कर रहे हैं। वहां में चर्चा करता था, चर्चा करता था। तो दिन में राज्जी रोज एक बार सुंदर सात को और मेरे को दीदार भी देते थे। कैसे? मेरे अंदर राज्जी का जोश और आवेश आता था और राज्जी दिन में रोज दीदार देते थे, सुंदर सात को दर्शन देता था। तो जैसे ये बात समाज में एक खंभालिए ग्राम में फैली, तो सुंदर सात में जब ये बात प्रसरी तो सुंदर सात को लगा कि वहां तो रोज राज्जी धाराभाई को आवेश आता है और राज्जी दीदार देते हैं, तो चलो हम भी सुनने के लिए जाए। तो बहुत से सुंदर सात की भीड़ वहां जमा होने लगी। आगे धाराभाई ने और प्रसंग सुनाया
कि श्री जी बहुत से सुंदर साथ की जमात में एकत्रित होने लगी, तो सुंदर साथ के समाज मेरे को सम्मानित करने लगे, मेरे को एक उच्च आसन पर एक गादी पर बैठा कर पूजने लगे। पूजना मतलब कोई आरती उतारना, भोग लगाना, ऐसा पूजना नहीं, मेरे को सम्मानित करने लगे। तब श्री जी ने कहा कि हाँ धारा भाई, जो भी सुंदर साथ चाहे तन से सेवा करे, चाहे मन से सेवा करे, चाहे धन से सेवा करे, कोई प्रेम से रिझाने की सेवा करे, कोई चितवनी करके राज्य को ध्यान करके रिझाने की सेवा करे, कोई ज्ञान के माध्यम से चर्चा करने की सेवा करे, चाहे कोई भी प्रकार की सेवा करे, तो उस पर तो राज्य मेहर करेंगे करेंगे और करेंगे। क्या बोला राज्य ने स्वयं अमृत, क्या बोला? मेहर करेंगे और करेंगे। और इतना नहीं, आगे बोला कि जो सुंदर साथ दिल से लगे हैं सेवा में, तो उस सुंदर साथ के दिल में युगल स्वरूप की बैठक है, तभी तो दिल से लगे हैं। युगल स्वरूप की बैठक है, देखो स्वयं धाम धनी बता रहे, एक एक प्रसंग में राज जी कैसे लीला कर रहे। मैं कई बार सोचती हूं कि इस प्रसंग में और गहराई में जाऊं, लेकिन समय साथ नहीं देता, तो फिर प्रसंग को आगे बढ़ाना पड़ता है। कई बार लाडली को अपनी मानकर चाटा भी मारते हैं, कई बार व्यसन से मुक्त करा के, क्योंकि प्रेम कर रहे हैं, रे रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, प्रेम करना के अति रे, कोई पति रे क्या रे बोल कब बोलेगा, अति हो जाती ने, धीरे धीरे से प्रेम से समझाएंगे तो ऐसे थोड़ी मानने वाली है। इतनी चतुर इतनी होशियार हो गई है ना आके कि राज्य के सामने तर्क करने लगी है, राज्य के सामने रूहे तर्क और वितर्क भी करने लगी, उसके सामने भी विवाद खड़ा करने लगी है। तो यहां देखो धारा भाई श्री जी कैसे समझा रहे कि कोई भी प्रयास से मेरी रूह जगे, मेरी नजर करते करते समझाते होगे, तो इस समय का दृश्य कैसा होगा। आज मैं कमरे में सोच रही थी कि धारा भाई पर श्री जी की नजर होगी और समझा रहे, अंदर से हंसते होगे कि देख यही तो मेरे साथ फूलबाग में बैठी, सामने झूले में बैठी, बटपीपल की चौकी के चौथी भूम के झूले में बैठी, कैसी हंसी की मजाक की, कैसी विनोद की लीला करती थी, आज मेरे को यहाँ कैसे समझाना पड़ रहा है। पता नहीं आज मैं लीला को विचार कर रही थी, आज कैसे पता नहीं कहाँ कहाँ समझाना पड़ रहा है और सब भूल गई है, इतनी अंधेर में फंस चुकी है। तो यहाँ धारा भाई को बोले, हाँ धारा भाई, जिस दिल में राज्य की बैठक है, बोलने वाला भी राज्य है और फिर अंदर बैठने वाले और समझाने वाले भी कौन है? राज्य। कैसी विचित्र लीला है, एक एक प्रसंग मेरे को लगता है बोलना ही नहीं है, डूब जाऊं बस, सच में मैंने को चर्चा करने की इच्छा ही नहीं होती। जब वहां से निकलना होता है तो इतनी पीड़ा से आती हूं मैं यहाँ कि किसको समझा रही हूं, समझदार लोगों को समझाने की क्या जरूरत पड़ती, मैं ही मूर्ख हूं कि समझदारों को समझा रही हूं। बहुत चतुर लोग हैं, जैसे हम चतुर हो गए हैं ना, समझदारों को समझा रहे हैं जो बैठे हैं। क्या बोले कि जिस दिल में राज्य की बैठक है वही दिल को धाम कहा गया, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, ऊपर तले अर्श ना कहिया, अर्श कहिया मोमिन कलोब। तो यहां बताया कि जिस दिल में धाम धनी की बैठक है वो दिल तो परम धाम बन गया, तो सब सुंदर साथ सम्मानित करेंगे, उसमें क्या संशय है, कोई शंका ने स्थान नहीं है। आगे धाराभाई ने बताया के सुंदर साथ मेरे को सम्मानित कर कर पूजने लगे। जब ये बात, आगे सुनिए, जब ये बात बिहारी जी को जामनगर नौतनपुरी सुनने को मिली तो बिहारी जी महाराज ने क्या आदेश, आदेश तो नहीं, वैसे तो बिहारी जी महाराज आंतरिक रूप में तो हत्याचार ही कर रहे हैं, इससे सब सुंदर साथ दुखी है।
जैसे ही बिहारी जी महाराज को पता चला तो उसने अपने भांजे नागजी भाई को बुलाया और बोला कि नागजी भाई, तुम पत्र में लिखो और तुरंत ही शीघ्र ये पत्र नौतनपुरी से लेकर वहां खंभालिए में सूरजी भाई को भिजवा दो और सूरजी भाई को यह भी लिखो कि पत्र पढ़ते ही तुम तुरंत ही निकल जाओ, आपका बहुत जरूरी काम है। ये पत्र कहां पहुंचते हैं? खंभालिए सूरजी भाई को। सूरजी भाई तुरंत ही, क्योंकि गद्दीपति बिहारी जी महाराज का आदेश है, वो तुरंत ही निकल गए। मन में अंदर एक भय है, एक डर है कि भाई मैं जा तो रहा हूं, वहां धारा भाई को लेकर बिहारी जी महाराज कोई बात ना छेड़ दे। उसके अंदर भय तो है कि वहां कोई बात ना छेड़ दे और बिहारी जी महाराज गद्दीपति महाराज का कोई मेरे पर अमृतमय वचन बरसाए नहीं और मेरे को उसका कोप भाजन बनना ना पड़े, डर तो था। वो तुरंत ही पत्र मिलते ही सीधे नौतनपुरी जाने के लिए सूरजी भाई तैयार हो गए। नौतनपुरी पहुंचे, जैसे ही पहुंचे बिहारी जी महाराज ने सीधे ही पहले सुंदर सात के समाचार पूछे, बातचीत के क्रम में आगे बढ़े और पूछा कि वहां का क्या हाल है। सुंदर सात जी, ये घटनाक्रम कोई 400 साल पहले की थी, ये तो थी, लेकिन आज वर्तमान में क्या स्थिति है राज जी? इस घटनाक्रम से हम सबको प्रबोधित कर रहे कि सुंदर साची, उस मानसिकता में तुम तो नहीं बंधे होने, उस संकुचित भावना में तुम तो नहीं बंधे होने, उस भावना से तुम भी बाहर आ जाओ और अपने धनी से एक निष्ठ प्रेम कर लो। जो आप ऐसी रूढ़िवादिता में, ऐसी अशिक्षा में आप बंद जाओगे, ऐसे वाणी से दुराव, वाणी न पढ़ो, टीका न पढ़ो, मन में कई प्रकार की देश भावना, जो ऐसी आप भी एक संकुचित, एक बस अंदर एक वाणी की मानसिकता में आप बंद जाएंगे तो कभी भी आप आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं कर पाओगे। इतना नहीं, आप कभी भी और आगे हकीकत की लीला में पहुंचना है, इतना भी नहीं सुंदर साथ जी, और मार्फत की भी लीला में रांची के दिल में डूबना है, तो कैसे उस सोपान पर हम पहुंचेंगे? तो राज जी यहां क्या बताने जा रहे हैं, उस प्रसंग में हम आगे सुनेंगे। यहां खंभालिए से जब सूरजी भाई पहुंचे नौतनपुरी में, तब नौतनपुरी में जैसे ही पहुंचे बिहारी जी महाराज बातचीत के क्रम में सूरजी भाई को बता रहे कि सब सुंदर साथ का हाल चाल तो ठीक है ने? बताते बताते धारा भाई को लेकर बात आगे बढ़ाई तो सूरजी भाई का दिल तो पवित्र था, उसने पूरी सफाई दे दी दिल की पवित्रता। वो बताते गए, बिहारी जी पूछते गए, दिल की पवित्रता बताते गए और आगे ये भी बताया कि हाँ, धारा भाई के अंदर आवेश आता था, दिन में राज्य का दीदार होता था, सब सुंदर साथ ये नेत्रों से, भौतिक नेत्रों से दर्शन करते थे। इतना जब सुना ने बिहारी जी महाराज ने, तब तो क्या हो गए क्या? अरे ये तो बहुत गलत काम हो रहा है। और अंदर से क्या सोचा कि ऐसी परंपरा चलती रहेगी, यह तो एक गोलो का पंथ है। तो धनी सतगुरु देवचंद्र जी, जिसने परम धाम की राह बताई है, इस राह पर कौन चलेगा? यह तो एक शूद्रों का पंथ है, मतलब
नीची जाति का एक पंथ है, ये काम नहीं होना चाहिए। इसी बहाने इसी माध्यम से कि मेरे को कोई दीदार विदार धारा भाई को नहीं होता है, कोई दर्शन की लीला नहीं होती, कोई आवेश नहीं आता, क्योंकि मैं ही गद्दीपति हूं, मैं ही वहां अक्षरातीत बनकर बैठा हूं, मेरे अंदर ही सब शक्तियां हैं, जो मैं वहां से आदेश करूं वही आदेश को आपको सबको मानना पड़ेगा। क्योंकि गद्दी पर मैं बैठा हूं तो राज्य की पांचों शक्तियां, श्री राज्य का जोश, आवेश, अक्षर की आत्म और जागृत बुद्धि, ये सब नूर हुकम बुद्ध मूल वतन, ये पांचों मिल भाई महामत, ये सब मेरे अंदर है। ये अहंकार किसने लिया? गद्दीपति बिहारी जी महाराज ने। देखो ये दीदार के माध्यम से, ये आवेश की ये बहाना बनाकर सबको माया की जाल में फंसा रहे आप सबको। किसको बोला? सूरजी भाई को, बिहारी जी महाराज ने। इतना नहीं और भी आगे बोला, ये सब माया का प्रपंच है, वहां कोई दीदार नहीं हो रहा है। जाओ तुम वहां जाके क्या बोलो और क्या क्या और आगे बता रहे सुंदर सा जी। हम इसी घटनाक्रम में हम आगे बढ़े कि हे सुरजी भाई, तुम मेरे आदेश को अभी सिरोधार्य कर लो, मान लो और वहां जाके पूरी बात ऐसे ही तुमको बतानी है। जो तुम मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे, ऐसी बात आप पूरी साफ नहीं बताओगे, तो मैं आपको भी सुंदर साथ से बहिष्कृत कर दूंगा, आपको भी सुंदर साथ समाज से निष्कासित कर दूंगा। इतना नहीं, मैं परम धाम से भी तुमको बाहर निकाल दूंगा। जो काम राज्य ने नहीं किया परमधाम में, वो काम यहां क्या कौन कर रहे हैं? अभी गद्दीपति बिहारी जी महाराज 400 साल पहले कर रहे थे। आज भी जो जो लोग गद्दी पर बैठकर अपनी मान, अपनी प्रतिष्ठा, अपने पद, अपनी जो धन संपत्ति के सहारे, मतलब उसी का एक नशा और उसी को लेकर अपने अंदर जो अहंकार लेकर बैठे हैं कि सब कुछ हमारे पास है, लेकिन सुंदर साची राज्य कोई पैसे से नहीं खरीदा जाता, राज्य कोई ऊंचे स्थान पर बैठने से नहीं खरीदा जाता। राज्य तो गरीबों का भी है और राज्य धनवानों का है। सुर असुरों का सबे ये पति, सबे पर एक दया, देत दीदार सबन को जीनू जैसा चाहिए। या क्या बताया कि तुमको परम धाम से भी मैं बाहर निकाल दूंगा। इतना नहीं, सुंदर साथ में से भी बाहर निकाल दूंगा। यहां सुंदर साथ जी राज्य परम धाम से बताया एक चौपाई में वाणी के माध्यम से कि सब काम तो मैं परम धाम में, मेरे से कोई काम ऐसा अशक्य नहीं है कि मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन हे रूहो ये काम मेरे से भी ना होई। क्या काम? तुमको मेरे से कैसे, मेरे चरण कमल से कैसे अलग करूं? तुम तो मेरे ये रूहे, तुम मेरे सब तन, तुम सब रूहे मेरे तन हो, तुम सब दिल मेरा इश्क, तुम तो सब मेरे तन हो, मेरे तन के एक एक जो अंग है ये तुम मेरे अंग हो, मेरे अंग से, मेरे शरीर से कैसे अलग करूं? तुम मेरे चरण कमल में अनादि काल से बैठी हो, ये काम में कभी भी, देखो ने जब तीन बार मना किया और अंतिम तीसरी बार भी हमने नहीं माना राज्य की बात को, और राज्य ने इस ब्रज की लीला में भेजा, तब भी हमारे तन को कहां रखा? अपने चरणों में रखा। और सुंदर सा जी बातूनी रूप में हमें आज भी ये लीला को देखे ने, भले हमारा शरीर ये वजूद पंच महाभूत भूत का कहीं भी इधर उधर घूमे, कोई भी लीला में हो, लेकिन राज्य की दृष्टि आज इस मायावी संसार में पल पल हमारे पर बरस रही है। महामति कहे मोमिनो, ये जो दम दम बरतत, ये सब इस हक का पल पल मेहर करत, जहां आप तहां नजर।
जहां हम हैं वहां हमारे राज्य की नजर है। तो यहां राज्य ने, राज्य भी ये काम परम धाम से नहीं कर पाए। ये बिहारी जी महाराज बोले कि मैं तुमको 12,000 में शामिल नहीं करूंगा और परम धाम लेके भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं ही अक्षरातीत हूं, मैं ही धाम के धनी हूं। तब बिहारी जी महाराज मेरी तरह ध्यान से, बिहारी जी महाराज मेरी तरह ज्ञान चक्षु का अभाव था, अंदर की आत्मदृष्टि नहीं खुली थी। ये दृष्टि तो खुली है, लेकिन भौतिक नेत्र तो बाहर संसार की हर चीजों को देखकर बस संकल्प विकल्प विचार उठते रहते और हजारों अंदर विकार पैदा करते हैं। जब ये दृष्टि बंद होगी ने, जब अंदर की खुलेगी ने, तब तब और जब तक सुंदर साथ जी, सुंदर साथ वाणी से नहीं जुड़ेगा। सिर्फ एक व्यक्ति विशेष सिर्फ ध्यान से सुनिए, आज यहां सुन रहे हो और भी मीडियो से सुनेंगे कल भी तक चर्चा में, ध्यान से सुनिए इस प्रसंग को कि जो भी सुंदर साथ आज भी और पूर्व भी और आने वाले समय में जो भी सुंदर साथ, कोई व्यक्तिवाद, कोई गादीवाद, कोई स्थानवाद, कोई जातिवाद, कोई वर्गवाद की मानसिकता में बंधे है और राजी कोई एक स्थान में, कोई एक गद्दी पर, कोई एक व्यक्ति में ही, जो गद्दी पर बैठने वाली व्यक्ति में ही वही महापुरुष के अंदर ही बैठे हैं, इतना मानकर वहीं सीमित बन जाएगी सुंदर सा जी, वही सीमित भावना में वो बन जाएंगे, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ राजी ने क्या बताया कि ज्ञान चक्षु का अभाव था। मैं 2 दिन पहले भी बता रही थी कि राज्य वाणी में है। यहां भले सूरजी भाई का प्रसंग है कि ज्ञान चक्षु के अभाव में व्यक्ति यह निर्णय नहीं कर पाती, यह निश्चित नहीं कर पाती कि क्या करने योग्य है, ध्यान से क्या करने योग्य है, क्या उचित है या क्या अनुचित है, क्या सत्य है क्या असत्य है। क्योंकि यहां बिहारी जी महाराज वाणी का प्रचार रोक रहे हैं, कैसे मानसिकता है उस दिल में। तो ऐसे ही यहां सूरजी भाई के अंदर भी वाणी का पूर्ण ज्ञान नहीं था, तो उसने गादी को ही सर्वोपरि माना और गादी पर बैठे हुए बिहारी जी महाराज कोई सर्वोपरि माना। आज भी सुंदर साथ जो परंपरा से जुड़े हुए बिचारे, अभी तक इसी परंपरा में वही पाठ पढ़ाया जा रहा है, वही सिखाया जा रहा है कि सुंदर साथ जी 108 माला कर लो, इतने पाठ कर लो, इतनी पूजा कर लो और इतना नहीं इतनी पारायण कर लो, बस तुम्हारा काम हो गया, या इतनी पारायण या प्रोग्राम भंडारे में लिखवा लो, तुम्हारा काम हो गया, बस राजी बस इस पाठ या पारायण या कोई माला या परिक्रमा या जो भी चरणामृत प्रसाद। सुंदर साथ जी जब तक सुंदर साथ वाणी की गहराइयों में नहीं डूबेगा, जब तक सुंदर साथ ध्यान चितवनी की राह पर नहीं चलेगा, अपने दिल में राज्य के प्रति गहराई से जब प्रेम में नहीं डूबेगा, तब तक कोई काम 400 साल की परंपरा में नहीं बना है, यही घटनाक्रम आज ये सिखा रहा है। और भले 40 साल पूर्ण हो गए और 40 साल बचे हैं हमारे जीवन के, वो भी वैसे ही चला जाएगा। धामधनी ने बताया ये सुपन देह माफक हके दिल में किया प्रवेश, इन सुपन देह माफक हके दिल में किया प्रवेश। इतना नहीं, और एक बात याद आई, राजी ने प्रकाश ग्रंथ में बताया, आज मेरे को दर्द के साथ कहना पड़ता है, एक पीड़ा के साथ कहना पड़ता है कि सुपनातर में खिण ना मुके, ध्यान से सुपनातर में खिण ना मुके, तो जागता कैसे मुके।
वाला जी ने सपने के ब्रह्मांड ब्रज और रास में भी हमको सुंदरसा जी नहीं छोड़ा है। तभी भी कहां थे राज जी? कृष्ण जी के तन में आवेश लीला तो हो रही थी ने, तभी भी हमारे से एक क्षण अलग नहीं हुए हैं। तो क्या जागणी के ब्रह्मांड में आखिर की यह मार्फत की वाणी उतर गई? क्या राज्य परम धाम में मूल मिला में हम इस संसार के खेल में दुखी और क्या राज्य सुख चैन से वहां बैठे हैं? या क्या कोई गादी पर शांति से बैठे हैं कि जो गादी पर बैठा? हाँ ठीक है, गादी पर बैठने वाली व्यक्ति को सम्मानित करना चाहिए, उस गादी पर हम ना बैठ सके, मतलब एक इतनी मर्यादा पालनी चाहिए, लेकिन गादी ही सब कुछ है, गादी पर बैठने वाली व्यक्ति के अंदर ही सब शोभा है, उसकी आरती उसका पूजन और वाणी को किनारे, ध्यान को किनारे और वाणी की कहीं कहीं फैलाव नहीं, ये कहां की मानसिकता है? यही प्रसंग है, ये कोई सूरजी भाई का प्रसंग नहीं है। और राज जी ने क्या बोला कि वाणी के प्रचार को भी अभी बिहारी जी महाराज रोक रहे ने आज भी वर्तमान समाज में कि भाई तुम वाणी ना पढ़ो, बस पाठ और माला घुमाते रहो, वाणी से दुराव, अंदर भी द्वेष राग कि ये सुंदर साथ वहां का है, ये सुंदर साथ वहां का है, उसी को प्रणाम न करो, उसकी चर्चा में न जाओ, उसको ठहरने की वहां जगह न दो। सुंदर साथ जी क्या वाहिदत का भाव हमारे अंदर रहा? क्या करने के लिए आए थे और क्या कर रहे हैं हम? हमने तो क्या दावा लिया था वहां बड़े बड़े। मैंने कल भी रोते रोते बोला था कि एक सुंदर साथ के दिल के अंदर जब राज्जी की बैठक, राज्जी को नहीं देखेंगे ने कभी भी, राज्जी को सुंदर साथ के दिल में नहीं देखेंगे ने, पहले सुंदर साथ को प्रेम नहीं करेंगे ने, तब तक कभी भी राज्जी नहीं मिलेंगे। जाओ, मैं यहां से आज रोते रोते बोल रही हूं, पहले सुंदर साथ को प्रेम करना सीखो। जो दुख मेरी सयन को तो सुख कैसा मोहे, हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं। सुनिए सुंदर साजी, सोचिए हम सब एक हैं, कितनी दूरी बना ली, ये आसी तो सोहेली लेकिन वो आसी सही न जाए। राजी ने क्या बोला कि ये आसी तो सोहेली, सुंदर साजी परम धाम में जो आसी होगी ने हमारी, जो यहां दूरी बना ली है, कैसे सिर ऊंचा करेंगे हम? ग्रुप में डिवाइड हो गए, कोई स्थान में डिवाइड हो गए, कोई एक मंडल में डिवाइड हो गए, अलग अलग ग्रुप बना लिया, क्या करने के लिए आए थे हम? हमारे दिल में यह भाव क्यों नहीं आया कि सुंदर साथ कितनी दूरी से कहां से आए, जो गांगजी भाई के दिल में आया था, मैंने बताया था ना वो लीला में जामनगर वाली चाकला मंदिर वाली, कि इन भोम में देखिया साथ धनी और धाम, कौन नम्रत इन सो करू जो पुरु मनोरथ काम, इस जुठे जगत में मेरे को धाम के धनी यहां बैठे बैठे मिले, इतना नहीं धनी तो मिले, धाम का पहचान, धाम की पूर्ण पहचान 25 पक्षों की हकीकत और मार्फत की, राज्य के दिल में डूबने की। राज्य ने चौपाई में बताया कि हक अर्श में मैं जुदा जानती, लियाउती शब्दों में वर्णन, जड़ में सिर ले ढूंढती, हक अर्श आए बैठे मेरे दिल, राज्जी तो मेरे दिल में बैठे हैं। जब तक सुंदर साथ गांगजी भाई वाला प्रसंग को दिल में पूर्ण रूप से नहीं उतारेंगे कि गांगजी भाई ने क्या सेवा की है सुंदर साथ की, जब हमारी जागनी अभियान की नींव रखी चाकला मंदिर में, वहां से तो यात्रा हमारी प्रारंभ हुई है जागनी की, मैं कितनी विस्तार से ये बात रखी थी
के सुंदर साथ को देख के रोज नए नए विचार उठते हैं, रोज नए नए भोजन के लिए, रोज नए नए व्यंजन बनाने के लिए क्या भाव प्रकट होता है गांगजी भाई के दिल में। तो वही तो गांगजी भाई, सिर्फ तन बदला है। इस भाव को हमारे दिल में स्थापित करना है, हमारे दिल में लेता है लेना है कि आज हमारा छठे दिन में हमारा क्या कर्तव्य है। आज सुंदर साथ कोई मंदिर में ठहरे तो वहां भी किराए पर, देखो ये भाव क्यों दिल में नहीं आता। खाने पीने के भी पैसे ले जाते हैं, ठहरने का भी पैसा लिया जाता है, ये भाव क्यों दिल में नहीं आता कि मेरे सुंदर साथ कितनी दूरी से आया है, उसका चरण कमल आज मेरे द्वार पर पड़ा है, मैं उसकी ऐसी क्या सेवा कर लूं, कैसे रिझा लूं कि मैं इत भी धन धन और उत भी धन धन। छत्रसाल जी आगे बताएंगे, वैसे रास्ते में भी कई अमीरुल मोमिन, कई ऐसी महान महान सुंदर सात आत्माएं हमको एक प्रसंग से प्रबोधित करेंगे कि सुंदर सात जी, इस संसार में आपका आचरण, आपकी रहनी, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। अरे भाई, हम सुंदर सात को तो अभी नहीं प्रेम कर पाए, हम तो संसार को जगाने की बात लेके आए, क्यों न देखिन दुनिया जो इनको न करूं अखंड, संसार को जगाने का दावा यहां लेके आए हैं। अभी हम सुंदर साध भी आपस में प्रेम नहीं कर पा रहे, क्या मतलब क्या हंसी होगी हमारी। यहां सूरजी भाई के अंदर भी ज्ञान चक्षु का, अंदर की वाणी का ज्ञान नहीं था। उसने बोला कि हे बिहारी जी महाराज, मैं आपकी बात को क्यों ना मानूं, मैं अवश्य आपकी बात को बस मान लूंगा, और मान लिया मैं वहां जाके यही काम अवश्य करूंगा, और तुम मेरे को ऐसा करो, आप 12,000 की जमात से अलग मेरे को मत करो। भले सूरजी भाई बोल रहे हैं कि भले धारा भाई का पूरा परिवार, इतनी आत्माएं भले दुखी हो, लेकिन मैं दुखी, ब्रह्म सृष्टि की रोहिणी कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, दूसरे के सुख में अपना सुख, दूसरे के दुख में अपना, पहले दूसरे का सोचेगी कि उस सुख में मेरा सुख समाया हुआ है, उस दुख में भी मेरा दुख है, उस रूह को दुख तो मेरे को पहले दुख है। यहां सूरजी भाई क्या सोच रहे हैं, सूरजी भाई कौन है जो सुंदर साथ ऐसा आचरण करेगा, इस ऐसा व्यवहार करेगा, ऐसी राह अपनाएगा, वही तो सूरजी भाई है। सूरजी भाई थोड़ी चले गए हैं, मेरे को 12,000 जमात में शामिल रखो। बिहारी जी महाराज, मैं अवश्य नव वहां खंभालिया जाके ये काम अवश्य करूंगा, आशीर्वाद दे दिया। वहां से सूरजी भाई निकले, नौतनपुरी पहुंचे। नौतनपुरी से निकले, खंभालिया पहुंचे, और खंभालिया पहुंचकर पहले तो सुंदर साथ को ध्यान से पहले ही समझा के रख दिया, क्या कि सुंदर साथ जी धारा भाई को और पूरे परिवार को सुंदर साथ समूह से निष्कासित करना है, तो पहले उसको भी सिखा दिया। सुंदर साथ बोले, हाँ सूरजी भाई, आपने हमको समझा दिया, जैसे ही धारा भाई आएगी अभी सभा में, हम वैसे ही करेंगे, हम एक ही स्वर में बोलेंगे। तो जैसे धारा भाई सब मिले, तो जब सूरजी भाई को जो सिखाया गया था वैसे बोले के धारा भाई, आपको बिहारी जी महाराज का आदेश है, आप सुंदर सात समूह में नहीं रह सकोगे। तब धारा भाई ने बोला, मैंने ऐसा क्या अपराध किया है, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है, क्या मैं गरीब हूं तो क्या राज्य पैसेदारों का है,
धनवान लोगों का है क्या राज्य? साबुन ही वो कहे कि मैं गंदा हो जाऊंगा, साबुन बोलेगा कि मैं गंदा हो जाऊंगा? राज्य तो सबके लिए आए हैं। यहां आगे धाराभाई ने बोला कि मैं क्या अपराध किया, क्या मैंने गुनाह किया है कि मेरे को निष्कासित किया जा रहा? इतना नहीं, मेरी पत्नी बेनी भाई, मेरी बहन, मेरे पूरे परिवार को निकाला जा रहा है, तो क्या हमारा गुनाह है? ये तो एक अपराध हो रहा है। ये रोर के विनंती करने लगे धारा भाई, सूरजी भाई के पास बिलखने लगे, आजीजी करने लगे। और इतना नहीं, बिहारी जी महाराज ने साफ आदेश दे दिया था कि तुम ग्राम से नहीं, शहर से नहीं, देश से बाहर, मतलब ये प्रांत से बाहर निकाल दो। क्या चर्चा करना कोई गुनाह है? क्या गद्दी पर बैठने वाला ही चर्चा कर सकता है? क्या वही आदेश करे, वही समाज में चलना चाहिए? अभी आएगा सूरत में, उसी प्रसंग पर हम विस्तार से समझेंगे अभी वर्तमान की क्या परिस्थिति है। ग्राम से और शहर और प्रांत से बाहर निकाल दो। तब आजीजी करते हुए धारा भाई ने बोला कि नहीं, बस आपके चरणों में रखो। तब बोला कि अरे भाई, बिहारी जी महाराज का आदेश हो गया है, यहाँ सुंदर साथ का आदेश नहीं चलेगा। यहाँ जो बिहारी जी ने आदेश, गादीपति वो है, वही अक्षरातीत है। जाओ तुम जाके नौतनपुरी, जाके वहां प्रार्थना आजीजी करो, मेरा कुछ नहीं चलेगा। बस यहाँ तब वहां गए कौन? धारा भाई नौतनपुरी गए, वहां जाके रोने लगे, बिलखने लगे, 3 दिन तक एक नहीं। कितना क्रूर हृदय रहा होगा, क्या ब्रह्म सृष्टि ऐसी भी लीला कर सकती है? है रतन भाई की ऐसी, मतलब रोल है धामधनी ने सकुमार को और बिहारी जी को, मतलब औरंगजेब बादशाह और बिहारी जी को ये रोल दिया है, लेकिन इस प्रसंग से क्या बोध लेना है? यहां धामधनी पता नहीं जीव को परिपक्व बनाने के लिए या क्या विचित्र लीला कर रहे, वो राज्जी जाने वो रूह जाने। बस तो यहां 3 दिन बिलख रहे, रोए, आजी जी प्रार्थना विनंती करते रहे। बिहारी जी महाराज का कठोर दिल नहीं पिघला, द्रवित नहीं हुआ। ब्रह्मात्मा तो मोम जैसी होती है, इसलिए तो मोमिन कहा गया कि एक मोमबत्ती होती ने, उसको जब जलाओ ने तो जैसे वो पिघलती जाती और प्रकाश दूसरे को, ऐसी मोमिन होती है। वो अपने को खत्म करेगी, दूसरे को सुख देगी। कोई बात नहीं, राज जी ने जो पीड़ा देनी है बस इससे बस एक प्रेरणा ले हम। तो यहां मोमिन राज जी ने पात्र ही ऐसा दिया है, दिल नहीं पिघले। आज जी विनती करते करते धारा भाई दुखी हो गए, समाज से बहिष्कृत हुए। यहां नलिया बंदर में प्रसंग सुना रहे श्री जी को, उस प्रसंग पे हम फिर पहुंचे और बोले कि धनी, उसी के बाद दादी 1 साल पूर्ण हुआ है, मेरे को सुनने को मिला कि तुम नलिया में आए हो, तो मैं जल्दी शीघ्र अति शीघ्र आपके चरणों में पहुंचाऊ। बस आपके चरण कमल ही मेरे सर्वे सर्वा है, बस आपकी आज्ञा मेरे सिरोधार्य है, और आप जैसी आज्ञा जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर। आपकी आज्ञा, आपके आदेश से मैं कभी, आदेश का कभी उल्लंघन नहीं करूंगा। तो हे धामधनी,
बस आपके चरण कमल में मैं बस अपने को सर्वस्व सौंप रहा हूं, न्योछावर कर रहा हूं। तब जाके श्री जी ने बोला, धारा भाई को शांत बना दी कि धारा भाई आप दुखी मत हो, अभी बिहार जी महाराज आने वाले हैं, आप धैर्य रखो, आप चिंतित मत हो, राज जी आप पर पल पल नजर रखे हुए बैठे हैं, राज जी आप पर मेहर करेंगे, वो यहां आएंगे ने तब मैं आपकी बात रखूंगा, क्योंकि मैं जैसे ही वो आएंगे तो तब मैं जागने की बात रखूंगा, इतना नहीं और भी बात क्या क्या रखूंगा, जागने के बाद जो जो वस्त्र आभूषण सुंदर साथ ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दिया है वो सब बात रखूंगा ने, तो खुश हो जाएंगे, आनंदित होंगे, तो मेरी बात को मान लेंगे और आपको सुंदर साथ समाज में शामिल कर लेंगे, आप दुखी मत हो। उसी समय बिहार जी महाराज को एक पत्र लिखते हैं, कौन, श्री जी के, एक पत्र तो उसने पहले ही सुंदर साथ जी लिख दिया था, कहां से कहां लिख दिया था, मैंने कल बताया था, भूल गए क्या आप, कल एक पत्र लिखा था, उसी पत्र में कल ठट्ठा नगर में अंतिम, उसी पत्र में वो नहीं बताया था कि वस्त्र आभूषण ये सब मेरे को सुंदर साथ यथाशक्ति योग्यता के अनुसार दिया है, तो तुम आइए महाराज जी, तो मैं आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। तो यहां श्री जी फिर दूसरा पत्र विश्वनाथ जी के साथ भेजते हैं और बिहार जी महाराज को भेजते हैं, वहां कहां, नौतनपुरी। और पहले पत्र में तो बिहार जी महाराज ने मना कर दिया था कि मैं कोई भी हालत में नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, इतना बड़ा गादी का जो स्थान का मेरे को संभालना, बहुत ही जिम्मेदारी मेरे सिर पर है, मैं नहीं आ पाऊंगा। और जब दूसरा पत्र पहुंचा कि मैं तुम्हारे लिए वस्त्र आभूषण कई कीमती गहने बहुत सी चीज पदार्थ मैंने बहुत सी वस्तुएं आपके लिए रखी है, तो बिहारी जी महाराज ने क्या सूचना भेजवाई कि हाँ मैं जल्दी से अति शीघ्र जल्दी आ रहा हूं, मेरे को पता था कि आप मेरे बिना नहीं रह पा रहे हो। क्या बोला, मेरे को पता था आप मेरे बिना रह नहीं पा रहे हो, तो मैं आ रहा हूं। और आए कौन, बिहारी जी महाराज मंडई उतरते हैं, मांडवी, आज का कच्छ में मांडवी कहते हैं उस बंदर को, स्पोर्ट्स था, और वहां भी सब सुंदर साथ जो जो स्थिति में थे, जो जो काम में प्रवृत्त थे, सब सुंदर साथ दौड़ के बिहारी जी महाराज की अगुवानी करने के लिए वहां पहुंचे। कहा, मंडई बंदर, देखो श्री जी कैसे सुंदर साथ को कैसा शिष्टाचार होना चाहिए, कैसा शिष्ट अनुशासन होना चाहिए। अभी भी श्रवण बोल रहा था ना पहले भी कि सुंदर साथ बात करते रहते, यहाँ किरंतन चालू हो, चर्चा हो, तो देखो श्री जी पहले से ही सब बातें सिखाई दी है वितक के माध्यम से, कि पहले से सुंदर साथ को बताया कि बिहारी जी महाराज आ रहे हैं, उसका सम्मान कैसे करना है आपको, तो सब सुंदर साथ अगुवानी करने के लिए सब गए वहां मंडई, और सब साथ में यहाँ नलिया में पहुंचते हैं। वो संदेश धारा भाई, जब मंडई बिहार जी महाराज पहुंचे, वो संदेश धारा भाई ने बधाई किसको दे दी, श्री जी को। श्री जी ने बोला कि धारा भाई तुमने इतनी ऊंची बधाई दे दी है, शायद मैं अपना जीव भी न्योछावर कर दू ने तो भी उसी के बराबरी के नहीं है जो आपकी बधाई है। देखो मैं आज इस विषय पर सोच रही थी कमरे में कि श्री जी क्या क्या मतलब अपने मुख से वचन बोल के कहाँ कहाँ कैसे प्रसंग से हमारे दिल में घाव बना रहे हैं। मतलब यहां बोले कि मेरे जीव
सही में तो अक्षरातीत के अंदर कोई जीव नहीं होता, वहां तो स्वयं राज्य की लीला हो रही है। ये हमारे संसार के एक सामान्य मनुष्य की तरह लीला नहीं होती। यहां क्या बताया कि मेरा जीव भी इस बधाई पर न्योछावर कर दूने, तो बिहारी जी महाराज तो गादीपति है, वो आ रहे, उसकी बधाई के बराबर ये सब तुच्छ हो जाएगा, उसका मूल्य कम है। चलो बिहारी जी महाराज आएंगे ना, तो मैं तब उसके पास ये बात रखूंगा। मैंने उस पर, इस विषय पर आज बहुत चिंतन किया। मैं दुखी भी हुई कि राज्य अपना मतलब क्या कहो, सब कुछ ये अनुभव की बात है, चिंतन की बात है, शब्दों में नहीं आ पा रही है कि स्वयं राज्य जिस तन में बैठे हैं, महामती के धाम दिल में, आज लालदासी आसबाई के धाम दिल में महामती के स्वरों में कह रहे कि सुंदर साची मैं अपना जीव भी बधाई के लिए न्योछावर कर दूं, तो राज्य ने अपना सब कुछ दे दिया, कोई कमी नहीं रखी। देखो कमी हमारे दिल में है। यहां सांत्वना देते हुए धारा भाई को बोला, और एक वहां कामदार की हवेली, और कामदार भी लौकिक नाते से पहचानते थे, तो उसने भी बहुत अच्छी हवेली दी, और हवेली में भी इतनी सुंदर व्यवस्था कर दी, सब सुंदर साथ को वहां पधराए, विराजमान किया, और बिहार जी महाराज के लिए एक सुंदर अलग बिछोने बिछाए गए, पलंग बिछाए गए, वहां सेवा होने लगी, सब सुंदर साथ गादीपति बिहारी जी महाराज की सेवा करने लगे। इधर की ओर सुंदर साथ की रसोईया बनने लगी, सब सुंदर साथ एक साथ बैठकर श्री जी का चर्चा का, अलौकिक ज्ञान की चर्चा का सुख लेने लगे। सुंदर साथ जी उस लीला को अभी याद करो, मैं जब भी बोलू ने आप वही चिंतन में डूबा करो कि कैसी लीला होगी, बीच में श्री जी बैठे हो गए और आसपास में घेर कर सुंदर साथ चर्चा सुनते हो गए, श्री जी और बिहारी जी महाराज आपस में बात करने लगे, और श्री जी ऐसी अवलोकिक ज्ञान की आवेश में आकर और पूरा भाव काट दिखाओ भी, चाहे विभस्त रस हो, विरह हो, करुण हो, हास्य हो, तो ऐसे एक एक रस को प्रकट कर लीला के अनुसार। मान लो कि श्री जी वहां कोई अंतर ध्यान लीला की रास की बात कर रहे हैं, तो कैसा होगा, विरह का रस होगा ने, हास्य। मान लो परमधाम की कोई लीला में डूबो रहे तो हास्य की लीला होगी, कोई डर वाली बात हो तो विभस, ऐसे भाव में डूबकर ऐसे आवेश में श्री जी चर्चा कर रहे, तो सुंदर साथ को कोई माया को, माया के अंदर रहते रहते कोई कष्ट थे, कोई दुख थे, वो भी सुंदर साथ भूल गए और श्री जी की चर्चा में वहां डूब गए, और श्री जी की पूरी जोश में चर्चा होने लगी। रोज सुंदर साथ ऐसे ही सुख लेने लगे चर्चा का, और एक दिवस श्री जी ने धारा भाई को लेकर बात रखी, किसको, बिहारी जी को, और वहां आठ सुंदर साथ कौन आते हैं, सूरत के भी सुंदर साथ वहां पहुंचते हैं। उसमें कौन कौन से सुंदर साथ है सूरत के, वो भी साथ में है। कौन कौन से है, एक आकिल भगवान, एक नागजी नाहना, एक वल्लभ भाई, एक धनजी भाई, एक सुंदर भाई, रतन भाई, मटो लालो, और बिहार जी के साथ भी कौन कौन चार और सुंदर साथ है, हरिवंश, अक्षय, लाला, ये जो चार सुंदर साथ बिहार जी के साथ भी है, और सब सुंदर साथ घेर कर श्री जी को बैठे हैं, और सब सुंदर साथ को पता चला
कि श्री जी नलिया में पहुंचे तो वो भी दर्शन करने के लिए सब वहां पहुंचे। इतना नहीं, ताराबाई का परिवार भी आया है, वो भी अर्जी करने के लिए, उसकी पत्नी भी, उसकी बहन भी आई है। तो पूरा, मैं सुंदर साहब इस प्रसंग को इसलिए यहाँ जोड़ रही हूँ कि सब पूरा वहाँ एक गोष्ठी लगी है, सब पूरा माहौल बना है। उसी समय श्री जी की आवेश में चर्चा चल रही है और चर्चा के बाद श्री जी फिर जब समय मिला, अवसर मिला, तो श्री जी ने बात रखी धारा भाई को लेकर कि धारा भाई आप ऐसा करो, कैसा, तुम बिहारी जी महाराज को बात रखी कि बिहारी जी महाराज तुम ऐसा करो, धारा भाई को सुंदर सात समूह में शामिल कर लो। तब बिहारी जी महाराज ने क्या बोला, क्या बोला कि मेरे को धारा भाई को लेकर कोई प्रार्थना मत करो, कोई विनंती मत करो, मैंने पहले ही सूर्य भाई को बोल दिया है और आज आप उसकी विनंती कर रहे हो, नहीं मेरे को मत करो, मैं कोई भी हालत में, कोई भी स्थिति में धारा भाई को सुंदर साथ समूह में शामिल करना नहीं चाहता हूं। वैसे थोड़े दिन, तीन चार दिन बीते, फिर श्री जी ने अर्जी की, प्रार्थना की कि धारा भाई को सुंदर साथ समाज में शामिल करो। फिर बिहारी जी महाराज ने क्या बोला, क्या आप एक बार नहीं, आप लाख बार बोलो तो भी मेरा क्या रहेगा, मेरा एक ही जवाब रहेगा कि मैं कोई भी हालत में उसको शामिल नहीं करूंगा। देखो यहां श्री जी की भावना देखो, श्री जी तो भी जो जो सुंदर साथ बिहार जी महाराज के साथ आए, उसको वस्त्र आभूषण, कई गहने, महंगे महंगे कई चीज वस्तुएं सब श्री जी किसको दे देते हैं, बिहारी जी महाराज और साथ में आए हुए सुंदर साथ को। आगे धाम धनी ने बताया कि इतना नहीं, दो जोड़े कपड़े अपने पास रखते हैं, जो बाई जी की, तेज कुरी जी के जो गहने थे, महंगे महंगे वस्त्र थे, आभूषण थे, वो भी बिहारी जी महाराज के चरणों में रख देते हैं। और आगे जाके क्या बताया कि धारा भाई को लेकर विनंती की, लेकिन धारा भाई की एक नहीं सुनी, उसने बोला एक बार नहीं, सो बार आप या लाख बार आप विनंती करोगे तो भी मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। और वहां रूपाबाई और राधाबाई भी थी, रूपाबाई राधाबाई को भी श्री जी ने समझाया कि हे रूपाबाई, हे राधाबाई, ये महिलाओं का प्रसंग के ऊपर मेरे को थोड़ा विशेष बोलना था, लेकिन आज समय के मर्यादा के अनुसार मैं आज इस प्रसंग पर ज्यादा मैं विस्तार नहीं करूंगी, इसलिए मैं सोचा कि नहीं चलो मैं यहां तक ही यह प्रसंग को रखूं और कल मैं ये प्रसंग में आगे कल बोलूंगी, ये जो आगे का वो दोनों स्वरूप के बीच का है, क्योंकि राधाबाई रूपाबाई का आगे भी और महिलाओं का भी प्रसंग आएगा कि जो जो स्वरूप दे महिला सुंदर साथ जुड़ रहे हैं, तो उसी को लेकर भी कि राधाबाई रूपाबाई कल भी बताया था, कौन पहली महिला सुंदर साथ, केसरबाई से लेकर बताया आपको कल, फिर हीरबाई, और आगे जाके यहाँ रूपाबाई राधाबाई को भी श्री जी समझा रहे कि देखो ये हमारे गादीपति बिहारी जी महाराज है, क्योंकि रूपाबाई राधाबाई का मन बिहारी जी महाराज की सेवा में लगता नहीं था, तो यहाँ श्री जी ने उसको भी समझाया कि भाई ये गादीपति बिहारी जी महाराज हमारे सतगुरु के पुत्र है, मतलब देवचंद्र जी के पुत्र है, तुम उसकी सम्मान करो, उसकी सेवा करो, जो तुम मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तो मेरा तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है, मेरा तुम्हारे साथ कोई नाता नहीं है। ये भी श्री जी ने रूपाबाई राधाबाई को समझाया। और आगे जाके सुंदर साथ जी, जब श्री जी ने ऐसा वातावरण बिहारी जी महाराज की ऐसी मानसिकता
ऐसी अंदर की क्रूरता, ऐसे द्वेष भाव, ऐसी घृणा को जब देखा तो श्री जी के दिल में भी विचार आया। क्या विचार आया? कि परम धाम की ब्रह्मात्मा क्या ऐसी होती है? तो उसके अंदर भी थोड़ी दूरी अंदर बनने लगती है। यहाँ फिर सुंदर साथ पास में बैठे हैं, उसने ये बताया कि सुंदर साथ जी ने ये बताया कि श्री जी तुम बिहार जी महाराज की तर्बियत मतलब स्वभाव को तो आप जानते हो, और रूपाबाई राधाबाई पर भी बिहार जी महाराज की टेढ़ी दृष्टि थी, ये भी श्री जी को पता चला कि बिहारी जी महाराज एक प्रकार से तो हत्याचारी सुंदर साथ पर कर रहे हैं, ये तो सब सुंदर साथ के लिए दुख का कारण है सुंदर साथ जी। तो ऐसी ऐसी कई घटनाएं वहां घटती है, और आगे दो स्वरूप मतलब बिहारी जी और श्री जी के बीच में कैसे एक वैभिन्न मतलब मतभिन्नता मतलब दूरी अलगाव बनता है, ये आगे के प्रकरण में यहाँ बताते हैं सुंदर साह जी। तो इस चौपाई को लेकर हम ये प्रसंग में थोड़ा आगे बढ़े, तो यहाँ बताया कि देख नूर चर्चा रोशनी भाई बिहारी जी को दिल सक, श्री जी के तू ए तहकीक मसनंद मेरी लेगा ये बात बड़ी बुजुर्ग। देख नूर चर्चा रोशनी, हमें यहाँ ये प्रसंग थोड़ा सुंदर साह जी बदलता है। देख नूर चर्चा रोशनी, यहाँ श्री जी बस उसको तो सदगुरु महाराज धनी देवचंद्र जी ने जो सेवा सौंपी थी, क्या अपने सिर पर जो जागने का उत्तरदायित्व दिया था, आगे सूरत में हम आगे सूरत में विस्तार से इस प्रसंग पर ले गए। तो बस एक ही लगी है कि मेरा साथ माया में जो भटक रहा है कहीं अलग अलग स्थानों में अलग अलग प्रांत में अलग अलग देश में, तो बस उस आत्मा को कैसे जगाऊं? तो बस श्री जी यहां बस यही भाव लेकर ऐसी आवेश में जोश में चर्चा करने लगे, और सुंदर साथ भी इतनी तन्मयता के साथ चर्चा सुनने लगे, और सुनते सुनते बिहार जी महाराज के दिल में एक शंका पैदा हुई। क्या शंका पैदा हुई? कि अरे ऐसी जोश आवेश में चर्चा चलती रहेगी तो मेरी गादी का कोई महत्व कोई प्रतिष्ठा या कोई वर्चस्व कोई मान नहीं रहेगा, इतना भी नहीं जो मेरी मान्यता है आज मंदिर से मंदिर को लेकर जो जो मान्यता है मैंने प्रचलित की है समाज में ये सब मान्यताएं नष्ट हो जाएगी, तो गादी का क्या औचित्य, मेरे तो सिर्फ बस एक रुदनी रूह की गादी पर बैठने का बस सिर्फ मैं बैठा रहूंगा, मेरे अंदर तो कोई शक्ति नहीं रहेगी, मतलब जो थोड़ा कुछ सम्मान या थोड़ा कुछ जो मिल रहा है वो भी समाप्त हो जाएगा, तो ये वाणी का प्रचार होने देना नहीं है। मैंने एक दिन बोला था ना वाणी वहां ना प्रश्री शरत थी उस दिन इंतजार में थे मोमिन, ये वचन में बार बार क्यों दोहरा रही हूं सुंदर साह जी, ये कोई मैं बार बार कहने से कोई ऐसे सुना नहीं रही हूं, इसलिए कह रही हूं कि वाणी के प्रचार में जो बिहारी जी महाराज रोक लगा रहे, इसलिए अंदर से एक पीड़ा हो रही है कि सुंदर साह जी जब तक ये ज्ञान का प्रचार हमारे समाज में नहीं होगा तो ये वाणी तो संसार में फैलने के लिए आइए सुख शीतल करो संसार, चोर टाड़ी करो ओलाओ सुख शीतल करो संसार, तो वाणी तो पूरे संसार में फैलने के लिए आई है। और आज हमने इस मंदिरों की एक चार दीवार में एक वागे के नीचे एक वस्त्र के नीचे एक सिंगार के नीचे एक सेवा पूजा का भाव लेकर बस वहीं सीमित कर दिया, और इतना नहीं एक छोटा सा बाड़ा बनाकर एक संप्रदाय में सीमित कर दिया, ये बहुत दुख की बात है। आज जो भी सुंदर साथ सुन रहे हैं और मीडियो से कल सुनेंगे सबको आज मैं एक मंच से आह्वान कर रही हूं, और पीड़ा से दुखी हृदय से कि सुंदर साथ जी कोई भी प्रसंग को आप दिल में ना उतारो, लेकिन नलिया के प्रसंग को आप
आत्म चिंतन करो, आत्म मंथन करो और भीतर जाके अपने कल्याण के लिए कुछ सोचो कि राज्य की बैठक सब सुंदर साथ के दिल में है और एक वाणी में है। बोलो श्री प्राणनाथ। क्या बताया बिहारी जी महाराज जी ने? क्या बोला कि भाई मेरी गादी का कोई महत्व नहीं रहेगा। देखो आज गादी की मान प्रतिष्ठा के लिए कितने सुंदर साथ की आत्मा के आत्मिक आनंद, ध्यान से, आत्मा के आत्मिक आनंद को छीने जा रहे हैं। अभी भी वर्तमान में आज कई जगह कितने मेरी नजर के सामने कई, मेरा ऐसा गुजरात में भी अभी दो तीन कार्यक्रम कोविड के पहले था तो बस ऊपर से रोक लगा दी। सुंदर साथ कितने उल्लासित थे, कितने उत्साहित थे, दो पांच हजार सुंदर साथ को एकत्रित भी करने वाले थे। कितने दिन से तो ये तैयारियां चल रही थी और वहां से रोक लगा दी मंदिरों से कि भाई ये कार्यक्रम होने देना नहीं है। मैं जिस जो सुंदर साथ जी ये सत्य बात है, मैं आज सौगंध खाकर मंच से कह रही हूं। मैंने ये सुंदर साथ को रोते हुए दो ही पंक्ति में बोला, मैंने ज्यादा नहीं बोला, मैंने इतना ही बोला कि आपकी आस्था ही गादी पर है, आपकी आस्था प्राणनाथ पर नहीं है। आपका जब प्राणनाथ राज्य नहीं बनेंगे ने, कोई व्यक्ति बनते रहेगा ने, ठीक है उसको सम्मानित करो, तब तक आप कभी भी बाहर नहीं आओगे। कोई बात नहीं, आप इतनी बात से रुक गए हो ने, राज्य ने वाणी जाहिर करनी है ने, एक पल में कर देंगे। ये तो हमारे लिए ये रात को खींच के रखा है, ध्यान से सुनिए। वाणी में बोला कि नेक रखी रात खींच के, बोलिए आप सो भी वास्ते तुम ना तो अंदर केती बेर लेता हम, मैं तुम्हारे लिए रात को खींच के रखा है कद्र की, जो तीसरी जागनी की लीला चल रही है, प्रातः काल होने के बाद, उजाला होने के बाद, दोपहर सूर्य आज दोपहर का मार्फत का श्री प्राणनाथ जी आ गए। इतना नहीं, शाम होने वाली है, आज कब सूर्यास्त हो जाएगा, शाम ढल जाएगी, अधिकांश रात का भाग हो चुका है। पता नहीं रात को हम कैसी गहरी 84 लाख योनि रूपी खाई में पड़ जाएंगे, कोई निकालने के लिए नहीं आएगा। जो भी आए आप, कोई भी पोस्ट पर, कोई भी स्थान पर बैठे, सबका न्याय समान होगा। सातवें दिन बिस्त की लीला में मरु और देवापी के जीव राजी और श्यामा जी बन के सत्स्वरूप की पहली बहिस्त में बैठेंगे और सब जीवों की, वहां कोई आचार्य नहीं होगे, वहां कोई गादी पति नहीं होगे, वहां कोई गुरु नहीं होगे, कोई वहां मठाधीश नहीं होगे, कोई संत महर्षि के तपस्वी के पैगंबर नहीं होगे, सब जीव होगे और सबकी करनी के अनुसार वहां न्याय होगा। क्या वहां ऐसे पल्ला पकड़ के कहेंगे क्या जिसको हमने प्राणनाथ माना है गद्दी पर बैठने वाले, कि नहीं तूने मेरी वहां बहुत पक्ष लिया है, चल तू आ जा, तेरा न्याय मैं करूंगा, क्या ये चलेगा सातवें दिन में? पता नहीं हमारा समाज कैसी अंधेरी खाई में, राज्य ने बता दिया कि रात पड़े त्यारे कोई न जागे, कोई न करे पुकार जी, निशा या निंद्रा जोर था से, तब बाद से भी विस्तार जी। हमारे लिए भी एक बार जो ये रात पड़ी जाएगी, मतलब धनी आए न लिया, पुकार कर चले गए। प्रकाश ग्रंथ को पढ़िए, मेरे साह आए थे मेरे घर, मैं पहचान न कर सकी, पियू पुकार 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 कर चले गए। यही तो अभी पुकार हो रही है क्या? 400 साल पहले की यही घटना घटित हो गई क्या? मतलब पूर्ण हो गई क्या? कौन बाहर निकालेंगे फिर? सुंदर साजी अभी धनी हाथ पकड़ कर चाहे कितने स्थानों में भी तक हमारी परंपरा के अनुसार 400 साल से आज हो रही है और अलग अलग स्थानों में आज रोज रोज भी तक अभी हो रही है ना, ठीक है? तो धनी हाथ पकड़ कर एक एक सुंदर साथ को माया से निकाल कर राज्य पहचान करवा रहे हैं। जो आज हम अभी नहीं ये समझ लेंगे, जो हम सत्य की पहचान
परम सत्य की पहचान नहीं कर लेंगे तो हमारे लिए अभी कोई सातवां दिन यहां नहीं, यहां बिस्त में है, यहां कोई सातवां दिन नहीं है। मैं वो सुंदर साथ को इतना ही बोला कि तुमने तो सिर्फ मना, तुमको मना की, तुमने तो ये कार्यक्रम रोक दिया ने, ठीक है आपकी आस्था उस पर, आपको जब समय पर समझाए, मतलब राजी समझाएंगे उचित समय पर आपके अंदर प्रेरणा करेंगे, तब तो समय चला गया होगा, फिर कर लोगे क्या, कल का भी भरोसा नहीं है। मैंने इतना ही अंत बोला, ध्यान से सुनिए कि तुमने तुम्हारा एक का आत्मा का आनंद नहीं छीना है, 5000 लोगों के आत्मा के आनंद को छीन लिया है, क्योंकि इतने लोगों के कार्यक्रम को रोक लिया ने, इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा था, इसलिए राज जी ने वाणी में बताया, ध्यान से सुनिए, मैं डरता हूं इन अबुओं से जो गुमराह कर सी मेरी राह। राज जी ने पहले ही लिख लिया, वाणी में लिख दिया कि मैं किसी से नहीं डरता हूं, मैं डरता हूं इन अबुओं से जो मेरी प्रचार प्रसार की राह को गुमराह कर देंगे, मेरे भोले सुंदर साथ को इस राह पर नहीं चलने देंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी गद्दी पर बड़े बड़े स्थान पर बैठे हैं ना बिचारे, छोटे छोटे सुंदर साथ का क्या महत्व, क्या उसकी औकात, क्या ताकत, बिचारे इतनी दूरी से तो प्रणाम करते हैं, उसको मंदिर में आने की अनुमति नहीं है, वो बिचारे महाराज जी के पास क्या जाके विनंती करेंगे। यही तो धाराभाई का हाल था, हम ही तो है धारा भाई, मैंने बोला ये 5000 जमात का सुख छीन लिया है आनंद, देखो क्या जवाब दे गए। बस आज की चर्चा मैं यहां से एक आह्वान कर रही हूं कि आज की चर्चा सुन के सब सुंदर साथ अपनी अंदर की आंख को खोले, बजराज जी की बैठक हर एक बच्चे के अंदर, बूढ़े के अंदर, हर एक के अंदर बस राज जी की बैठक देखे, और बिहार जी महाराज अगर सुनिए ना, और आप आगे बिहार जी महाराज श्री जी को सामने बैठे हैं, ऊपर से तो प्रेम भाव लेकर थोड़ा कुछ मतलब एक दिखावटी प्रेम लेकर बात कर रहे हैं, और अंदर से व्यंग्यात्मक स्वरों में अंदर से हंस रहे हैं, और आगे दोनों एकांत में बैठक करके श्री जी ने एक बात बिहार जी महाराज ने बोला कि अभी क्या करना है, तब श्री जी ने बोला कि हम दोनों और सुंदर साथ जिसको पहुंचे, जिनको पहुंचे तारतम सोई करे रोशन, जिनको तारतम पहुंचे सबको अधिकार है कि ब्रह्मांड में तारतम ज्ञान की रोशनाई करे, ऐसा नहीं कि बस एक जो गद्दी पर बैठे या कोई विद्वान बने या कोई संत या कोई भगवे वेशधारी या कोई पीले या कोई व्हाइट वस्त्रधारी उसको ही अधिकार, ऐसा नहीं, जिसको तारतम पहुंचे, जिसके अंदर ज्ञान की रोशनाई प्रकाश हो, वो सब दूसरे सुंदर साथ को ये प्रकाश कर सकेगा, दूसरे सुंदर साथ को ये समझाएगा। ये सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार, हम रोज बोलते ना तारतम में, तो यहां क्या बताया कि जिनको तारतम पहुंचे वो रोशनाई करे, तो यहां श्री जी ने बताया कि हम बाहर निकले, चलो हम बाहर निकले, और जागने का कार्य सतगुरु महाराज ने हमारे सिर पर दिया है, वो कार्य हम पूर्ण करें, क्योंकि हमने परम धाम में भी कॉल किया था कि धनी मैं भूलू ने किया था, तो सुंदर साथे आपस में बीच में, पर कहां किया था, मूल मिलावे में, कि सुंदर साथ को बोला हमने पास में बैठी हुई ब्रह्मात्मा को कि मैं भूलू तो तू मुझे जगाना, और तू भूले तो मैं तुझे पल में दे तुरंत जगा दूंगी। सुंदर साथ जी, मैं कई बार सुंदर साथ को बोलती हूं कि मूल मिलावे में परात्म में जब एक साथ हमारी सबकी जागनी होगी, इसी तरफ छत्रसाल साकुंडल बैठी होगी, इसी तरफ आसबाई बैठी होगी, वहां इंद्रावती बैठी होगी, वहां सुंदरबाई बैठी होगी, जो जो अमलावती जो जो आत्मा यहां जागृत होके चल के दिखाया, बोल के नहीं करके दिखाया, ये बैठी होगी,
वहां जब हम परात्म में जगेगी तो हमको शर्म नहीं आएगी क्या? उसका सिर कैसा होगा? ऊंचा, और हमारा सिर, क्योंकि पास में शाकुंडल है, कैसे ऊंचा करे? इसी ओर आसमाई बैठी है, कैसे ऊंचा करे? इसी ओर सुंदर भाई बैठी है, इसी ओर इंद्रावती बैठी है, कभी सोचिए आप कैसे ऊंचा करेंगे सिर? चलो जागनी के लिए निकलना है। तब बिहारी जी महाराज ने बोला कि नहीं, ये हमारा काम नहीं है। विरक्त भैंस में महात्मा का कोई भैंस लेकर घर घर जाके सबको संदेश देना, ये हमारा काम नहीं है। विरक्तों की तरह चलो, हम ऐसा करो, तुमको हलार देश में जो रहना पसंद ना हो तो कच्छ में जाके वहां राजा की नौकरी करो। तब जाके श्री जी ने क्या बताया, अरे मेरे को तो सतगुरु महाराज ने क्या बताया है, क्या सिर पर दिया? जागनी का उत्तरदायित्व। इतना नहीं, उसने मेरे को जागृत बुद्धि दी है, तत्किन हृदय में आई जागृत बुद्ध, मेरे अंदर ये जागृत बुद्धि प्रवेश कर गई है, मेरे अंदर ये पांचों शक्तियां विराजमान है, मैं ऐसे राजाओं की नौकरी क्यों करूं? इतना नहीं, इन राजाओं को मैं जाकर प्रबोध करूंगा, संदेश दूंगा एक अक्षरातीत के बारे में, एक राज्य के बारे में, तो वो राजा भी ये संदेश को सुनकर पहचान करके आपके चरणों में आएगा। ये सुंदर साथ बनेंगे, समूह में शामिल होंगे तो ऐसे राजाओं की नौकरी और ऐसे राजाओं की आजीजी करके मैं उस चरणों में क्यों गिरूं? मेरे को तो इस 14 लोक की नश्वर जगत की कोई चाहना कोई आशा नहीं रही है। किसकी बात है यह? हमारी पहचान होने के बाद क्या भाव होना चाहिए? कि मेरा मन बस इधर से पूर्णतः हट चुका है, बस मैंने तो अपने सिर पर ये जागनी के कार्य ले लिया है, मैं तो आगे बढ़ रहा हूं। इतना नहीं, आगे बताया कि शकुंडल साकुमार की जगाने की जो मेरे को बात की है, किसने? सदगुरु धनीदेव चंद्र जी ने। तो ये कार्य को मेरे को पूर्ण करना है, क्योंकि वो दोनों महान जो प्रमुख आत्माएं हैं, वो जग जाएगी तब पूरे संसार में ज्ञान फैल जाएगा, पूरा संसार में इतना प्रेम फैलेगा कि एक साथ सबकी जागनी होने लगेगी। तो मेरे को तो यही काम करना है। इतना नहीं, आगे बताया कि यहाँ संसार में हजारों करोड़ों मत पंथ चल रहे हैं जिसका कोई मूल नहीं है, मूल बिना कैसे विस्तार, कितना फैलाव, कितना प्रचार प्रसार आज समाज में संसार में हो रहा है। आज भारत में सिर्फ 700 तो ऐसे संप्रदाय है कि जिसका वैदिक या शास्त्रीय कोई आधार नहीं है, तो भी कितना फैलाव सुंदर साथ जी उसने समाज में संसार में। आज ब्रह्मा कुमारी जमत 112 देश में कितने सेंटर, उसमें भी मेरे को एक महिलाओं की बात लेनी थी, मैं कल सब रखूंगी कोई भी सुंदर साथ के माध्यम से, कि वहां उसके 8000 सेंटर है। कितने? ब्रह्मा कुमारी जमत के कितने सेंटर है? 8000 सेंटर है। वैसे यहाँ राधा स्वामी मत के व्यास मंदिर, ठीक है, वैसे कई ऐसे स्वामीनारायण संप्रदाय, देखो कितना प्रचार, 100 से ऊपर उसके भी कई देश में अपना मंदिर बन चुके हैं, और वहां भी कितने प्रचार प्रसार। सिर्फ ध्यान से सुनिए, सिर्फ मैंने उसके वचनामृत को सुना और थोड़े कुछ पद्धति सुनी कि उसके पास एक शिक्षा पत्री, एक सत्संगी जीवन और वचनामृत, तीन ग्रंथों को लेकर, और जो छप्पैया में घनश्याम महाराज का जन्म हुआ, मतलब जो घनश्याम महाराज जिसको बोलते, और आगे जाके नीलखंड वर्णी जो भी उसकी लीला हुई, आप आज दिल्ली के वो जो प्रदर्शनी है उसमें दिखाया गया है। सुंदर सर मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगी, मेरे को तो इतना ही बस यहां से आपको कहना है कि कितने आज संसार में मंदिर खड़े कर दिए, और उसके पास मैंने तीनों जो किताबें देखी है उसमें बस सिर्फ अपने जीवन को आदर्श कैसे बनाया जाए,
इतना नहीं, बस आगे व्यसन मुक्ति के, बस मनुष्य एक बार व्यसनों से ऊपर उठे, अपने अंतस्करण हृदय को पवित्र करे, तब जाके आगे उसके अंदर ये धार्मिक विचार या जो भी अध्यात्म ज्ञान की उपलब्धि तभी हो पाएगी। तो यहाँ बस ये पाया कि ये फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, तो भी कितने लोग, वैसे भी इतना नहीं, वहाँ एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर, डॉक्टर्स, वकील, ऐसे ऐसे हजारों लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि हर शहर में एक एक मोहल्लों में एक एक मंदिर बन गए, तो लोग भूखे हो गए तो कुछ शाम तक, कुछ दीदी ना मिले तो शाम तक सूखी रोटी भी खा लेंगे ना, भूखे लोग कुछ भी ना मिले तो शाम को सूखी रोटी भी खा लेंगे। आज हर चैतन्य जीव को प्रेम, आनंद और शांति की खोज में निकल पड़े हैं, बस कहीं से कोई आत्मा की, कोई जीव की शांति मिल जाए, तो कहीं कुछ ना मिले तो उधर की ओर वो चले जाएंगे ना। देखो उसके गुनहगार कौन है, हम उसके गुनहगार कौन है, और हमको तो क्या, कहाँ का ज्ञान मिला, परम धाम का, उसके पास नारायण तक का ज्ञान है सुंदर साह जी उसके अंदर का, तो भी इतना फैलाव कर रहे हैं, और हमारे पास तो नारायण से परे अक्षर और अक्षर से भी परे अक्षरातीत, तो वो ज्ञान का प्रचार हम क्यों ना करें सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। चलो सुंदर साथ जी बस दो ही मिनट का प्रसंग पूर्ण कर दे, और आगे यहाँ सोचा कि भाई हम क्यों विस्तार ना करें, और फिर आगे बिहारी जी महाराज को श्री जी ने बोला कि तुम मेरे साथ निकलो, तो बिहारी जी महाराज ने बोला कि मेरे साथ तो रंगबाई बोझल, मतलब भारी शरीर वाली है, और उसकी माता जी, पूरा परिवार और सबको छोड़ छाड़ कर मैं कैसे निकलूं। तो यहाँ श्री जी ने तो दृढ़ निश्चय कर लिया है, और आगे बहुत रद बदल हुई, कई दिनों तक सुंदर साथ जी ये चलता रहा, सुंदर साथ को जो बहिष्कृत किया गया था उसकी अर्जी चलती रही, विनंती चलती रही, बिहारी जी महाराज ने एक की नहीं मानी। श्री जी के दिल के अंदर भी बहुत दर्द पीड़ा हुई कि परम धाम की आत्मा ऐसा तो कभी भी दुष्कर्म नहीं कर सकती, लेकिन क्या करे, राज जी मूल स्वरूप की यही इच्छा है, तो दिल में थोड़ा दुख तो हुआ। और आगे जाके सुंदर साची अपने मन को अंदर जो अवगुण उठा था वो भी मना लिया, और आगे बिहारी जी महाराज यहाँ से चलते हैं, और श्री जी भी मंडई पहुँचते हैं, और मंडई में सब सुंदर साथ को एक ठहरने की व्यवस्था करते हैं। बिहारी जी महाराज यहाँ से खंभालिया निकलते हैं, और खंभालिया जाके यहाँ से श्री जी तब सब शख्स ने कहा राजा आगे, और बिहारी जी महाराज वहाँ जाके एक व्यक्ति को खड़ा करते हैं, और वहाँ के राजा को चुगली करते हैं। यहाँ से भी सुंदर साथ नाव में बैठते हैं, नाव में बैठते ही नाव में वायु की जो तेज लहर थी, तो जब सुंदर साथ तो बैठ गए, श्री जी जब बैठने गए तो नाव थोड़ी आगे बढ़ी, उसी समय श्री जी को छींक आई, छींक से कोई सुकन अपशुकन मानते, लेकिन यहाँ सुंदर साह जी, ये तो सामान्य सी बात है, कहने का भाव सुंदर साह जी यही कहने का भाव यही है कि जिस तन में अक्षरातीत लीला कर रहे उस तन को सुरक्षित रखना जरूरी था, इसलिए धामधड़ी ने ऐसी लीला की। और आगे यहाँ सब सुंदर साथ बैठ के खंभालिया पहुँचेंगे। श्री जी स्थल मार्ग पर चलते हुए विरक्त वेश में धोराजी पहुँचेंगे, सब सुंदर साथ धोराजी मिलेंगे, ये आगे के प्रकरण में हम कल लेंगे, लेकिन यहाँ नाव आगे चली और आगे वहाँ पहुँची खंभालिया। तो जैसे ही खंभालिया पहुँची तो वहाँ के राजा ने सब सुंदर साथ और तेज कुरी जी को जब्त कर लिया, वहाँ शक्ति से जांच भी की, और जो सुंदर साथ सूरत के थे वो सावधान हो गए, उसको पता लग गया था कि बिहारी जी महाराज की विशेष कृपा है, तभी ये सबको जब्त किया गया है, तो सब सावधान हो गए। और क्या पूछा कि भाई इसमें कोई मिहराज है,
तब उसने ऐसे जवाब दे दिया। फिर पूछा तेजकुरी है, तो बोले नहीं इसमें कोई तेजकुरी नहीं है। तो तभी छुत अछूत का समय था कि बोले कि तुम क्षत्रिय हो ब्राह्मण हो, उसने बोला था ना कि भाई पूछा राजा ने जब शक्ति से जांच की तब बोले कि हम सूरत के ब्राह्मण है और ये हमारी बहन है। तब वहाँ छुत अछूत का ऐसे समय चल रहा था, तो तभी बोले कि जो तुम ब्राह्मण हो तो एक क्षत्रिय का मिहराज तो क्षत्रिय थे तो उसका बनाया हुआ तुम खा लो। तब उसने जो पकाया वो कच्चा भोजन खा लिया, तो सब राजा को सबको विश्वास आ गया और सबको बंधन से मुक्त कर दिया और आगे निकले। और आगे का प्रसंग जब सब कल सूरत हम साथ में मिलेंगे, यहाँ ये चौपाई को दोहराए। श्री महामती कहे ये साथ जी, ये नलिये की बीतका अब सूरत की कहो, जो आज्ञा है हाका जो आज्ञा है हाका। बोली शिव नारायण नाथ प्यारे की जय।